अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की बहुत ही ज्यादा मशहूर टिकटॉकर युगांडो एफएफ। तो भाई कैसे हैं आप यार? क्या हालात बताऊं आपको, बहुत बुरे हालात हैं। मेरा तो इस दुनिया से दिल उठ गया है। दिल कर रहा है कि मैं किसी और दुनिया में भाई कूच कर जाऊं, छोड़ जाऊं इस दुनिया को भाई। अरे भाई, ऐसी भी क्या बात हो गई जो आपको दुनिया कूच करनी पड़ रही है? यार क्या ही बताऊं, मेरे मसाइल इतने ज्यादा कि अगर मैं गिनने बैठ जाऊं ना, ये उंगलियों की पोटे खत्म हो जाएंगे भाई जी, आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, आपकी जीबी खत्म हो जाएगी, मेरे मसाइल नहीं खत्म होंगे यार। हम आपके मसाइल सुनने के लिए तो बैठे हैं। आज के पॉडकास्ट का मकसद ये है कि हम आपकी जो राय है, आपकी जो तकलीफें, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उनके बारे में डिस्कशन करें कि आपकी क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अक्सर आप लोगों की वीडियोस देखने को मिलती हैं टिकटॉक के ऊपर। तो हमें कुछ बताएं आपने बारे में, शायद उसका कुछ सलूशन आपको मिल जाए आज। यार सबसे पहला मसला तो मेरा ग्रीना के साथ है भाई। 3 से 4 साल हो गए मुझे कंटेंट बनाते हुए, और भाई इतनी वीडियोस अपलोड करता हूँ तो ना तो भाई पार्टनर प्रोग्राम में मुझे ले रहे हैं, ना वी भाई दे रहे हो, ना ही भाई डायमंड आते हैं। भाई गरीब बंदा करे तो करे क्या, बात तो सही है। वैसे अगर आप 3 साल से मेहनत कर रहे हैं तो आपको फल मिल जाना चाहिए था, वैसे आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। लेकिन एक चीज मुझे बताएं, आपके व्यूज कितने आते हैं? यार व्यूज की बात करें तो आप वो बात ही छोड़ दे भाई, बड़े बड़े क्रिएटर मेरे से आके भाई पूछ रहे होते हैं कि भाई आप इतने ज्यादा व्यूज ले कैसे रहे हो। भाई मेरी लास्ट जो सबसे वायरल वीडियो गई, पता है उसके कितने हमारे पास व्यूज थे भाई? 3000 व्यूज थे उसके, और रेगुलर व्यूज तो भाई मुझे 400-500 आते रहते हैं भाई। आपके 400 से 500 व्यूज आते हैं और आपको वी बैच चाहिए? तो हाँ, नहीं तो भाई 400-500 इतने ज्यादा व्यूज है ना भाई, किसी को देखो आज तक आए हैं कितने इतने व्यूज किसी को भी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम आपसे। ये तो एक मसला हो गया आपका कि भाई आपके इतने व्यूज आते हैं और आपको जो है वो ग्रीना पार्टनर प्रोग्राम में ऐड नहीं कर रही, आपको वी बैच नहीं दे रही, इसके अलावा आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं? यार इसके अलावा तो मुझे भाई कम्युनिटी से भी बहुत ज्यादा गिले हैं यार। इतनी मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ लेकिन हमारी कम्युनिटी है कि भाई वो व्यूज ही नहीं देती, वो शो ही नहीं करवाती उस तरह की प्यार मोहब्बत जिस तरह के भाई हम वीडियो देते हैं उन्हें। यार उनसे मुझे ये बहुत ज्यादा गिला है। अच्छा, लेकिन आप अभी तो कह रहे थे कि आपके अच्छे व्यूज आते हैं, तो इससे मुराद सपोर्ट से क्या मुराद है आपका? यार सपोर्ट से मुराद है कि नीचे कमेंट देखें तो भाई उसके उधर लिखा होता है भाई मेरी जूती कहाँ पे है भाई, ये उसकी कॉपी की है, इसकी कॉपी की है। यार ऐसे तो नहीं ना चलता फिर भाई। वैसे आप कितनी मेहनत करते हैं एक वीडियो को बनाने के लिए? यार एक वीडियो को बनाने के लिए भाई मुझे तकरीबन 10 से 5 मिनट लगते हैं यार। आपको एक वीडियो बनाने के लिए 10 से 5 मिनट लगते हैं और आप मैं जी भैया को इतना मुश्किल है बंदे के लिए काम करना, और बाद में ये लोग कमेटी में भाई कहते हैं कि हमारी जूती कहाँ पे है भाई, ये ऐसे तो नहीं ना होता है यार। चले ये तो इनका एक मसला हो गया कि यार इतनी मेहनत करते हैं, 5 मिनट में वीडियो बनाते हैं और नीचे कमेंट इनके आ जाता है कि भाई मेरी जूती कहाँ है। मतलब वो शायद मेरा भी कमेंट हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भाई यूट्यूबर्स जो होते हैं वो 8-8, 10-10 घंटे लगा देते हैं एक वीडियो को भाई एडिट करने में, और आज तक मैंने नहीं सुना भाई कि हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें सपोर्ट नहीं मिलता। भाई हम तो शुक्र अदा करते हैं। खैर वैसे एक बात बताएं मुझे कि आपका कॉन्टेंट क्या है? यार मेरा कंटेंट तो आपने अक्सर देखा ही होगा यार, मेरा कंटेंट ये होता है कि भाई अपने फेवरेट क्रिएटर को मेंशन करें, देखते हैं आपको जवाब देता है कि नहीं देता, या फिर इस ईद अगर ईद हो तो ईद, या फिर अगर कोई और इवेंट हो तो उस इवेंट पे आपको कौन सा क्रिएटर मेंशन करेगा, या आप किसके ऊपर मिलना चाहते हो उसको मेंशन करें, ये मेरा कोई कंटेंट होता है। ये वीडियो के ऊपर जो मेंशन आप करवाते हैं तो क्या वो फिर अपने फेवरेट क्रिएटर को मेंशन भी करते हैं, और उसका आपको क्या फायदा होता है? भाई बात सुनो तुम्हें मैं एक ना राज की बात बताता हूँ, ये मैंने किसी को बताई नहीं है, मैं बस इसको वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। बात बोला क्या है, जब मैं कहता हूँ ना कि इसको मेंशन करो, और हमारे जो बंदे हैं वो मेंशन करते हैं, और पता है इसका फायदा क्या होता है? मैं साथ में ये कहता हूँ कि अगर आपका वो सच्चा अच्छा बंदा होगा, स्ट्रीमर होगा, तो वो रिप्लाई करेगा, और तो वो रिप्लाई भी कर देता है। उससे पता है मुझे क्या फायदा होता है, उसको जब वो रिप्लाई करता है उसके फॉलोअर्स को मेरी वीडियो रिकमेंड होती है, उसके फॉलोअर्स उसके नीचे आके फिर से कमेंट करते हैं, मजीद वीडियो को रीच मिलती है। ये निंजा टेक्निक्स है, ये कोई बताता नहीं है। तो इनडायरेक्टली आप तो अपने जो है वो व्यूवर्स को पागल बना रहे हैं और वो पागल बन रहे हैं, आप यही कह सकते हैं? ये पागल बना नहीं रहा भाई, ये तो पागल है भाई। मैं तो सिंपल आपने देखी होगी पहले भी कितनी वीडियोस बनती है भाई, मैं तो बहती गंगा में हाथ धो लेता हूँ, सिंपल बात है भाई, बंदे आगे कमेंट कर देते हैं, हमें फायदा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चलते हैं आपकी अगली प्रॉब्लम की तरफ। तो भाई आपके बताएं अगला मसला कौन सा है आपका? यार फिर से मेरा ये वाला मसला है ना ग्रीना वालों के साथ है। आपको पता है गेम के अंदर आए दिन कोई ना कोई न्यू इवेंट आया होता है, कुछ ना कुछ न्यू आया होता है, कभी कोई इमोट,
इमोट तो अच्छा होता है लेकिन भाई पैसे ही नहीं होते पास। अच्छा ये वाली मैंने वीडियो आपकी वायरल देखी थी जिसके अंदर आप बोल रहे थे कि इमोट तो अच्छा है लेकिन पैसे नहीं है। तो खैर चलें जी, हमारे दुआ है जल्द आपको इतने पैसे दे कि आपको जो है वो इमोट वो आप परचेज कर सकें। ये तो हमारी दुआ आपके साथ चलती रहेगी। और वैसे एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये मसाइल नहीं मेरा अपना क्वेश्चन है कि जब आप लोगों का अकाउंट फ्रीज हो जाता है फिर आप लोग क्या करते हो ऐसा कि आपका अकाउंट जो है वो मतलब सारी वीडियो वायरल होना शुरू हो जाते हैं? यार इसके ऊपर ना बहुत ही मजे का एक ट्रिक होती है हमारे पास। तकरीबन हम जो से जितने भी टिकटॉकर है ना, हम 70-80% तो इसी ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है वो ट्रिक क्या है भाई? हमने किसी भी बंदे की ना लोबी में चले जाना है, शर्त ये है कि वो बंदा कोई स्ट्रीमर हो, कोई अच्छा बंदा हो, उसका भाई नेम हम लोगों ने उठा के भाई वीडियो बनाना पड़ देनी है। इमोट मारने हमने चार बंदों ने जाके एक बंदे को डाउन करना है, उसको मारना, फिर इमोट करके पता वीडियो क्या लगानी है, स्ट्रीमर का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया भाई। तो यार इसके ऊपर हमें इतने व्यूज आते हैं क्या ही बताएं आपको, ओए होए चस आ जाती है, अकाउंट ऐसे अनफ्रीज होता है यार। वैसे ये तो फिर हमें साबित होगी ये चीज कि आप जस्ट व्यूवर्स को पागल बना रहे हैं और मतलब वो पागल बन रहे हैं, क्योंकि आपका इसका कोई ऐसा तो मकसद होता नहीं लेना लेना, सिर्फ आपको अपना ही होता है कि हमारा अकाउंट के ऊपर व्यूज आ जाएंगे और हमारा अनफ्रीज हो जाएगा। मैं सही बोल रहा हूँ ना? ऐसा ही कुछ है ना आपका माइंडसेट? यार देखो अब हर बंदे को व्यूज चाहिए ना यार। अब देखो व्यूज आएंगे, कोई बंदा हमारे पास आएगा डीलर, कोई स्कैमर डीलर भी आ जाएगा, कोई अच्छा भी, पंगा हमने स्कैमर डीलर के साथ लेना नहीं है, अच्छे को हमने पकड़ना नहीं है। मोस्टली स्कैमर्स को भी हम उठा के अपना प्रमोशन दे देते हैं, वो कुछ हमें भी दे देते हैं, खुद कुछ रख लेते हैं, समझ रहे हो ना? वैसे आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला आज, आपने बहुत सी चीजें जो अंदर की बातें आपने हमारे साथ डिस्कस करके हमें बता दी है। तो वैसे आपको कुछ मुझसे भी कभी सीखने को मिला है या फिर नहीं कुछ सीखा कभी आपने? यार बहुत चीजें मिलती है सीखने को भाई, हम बहुत सारे स्ट्रीमर्स को इसलिए देखते हैं कि भाई उनकी कॉपी करेंगे, अगर उन्होंने रेजोल्यूशन चेंज किया रेजोल्यूशन चेंज कर देंगे, उन्होंने न्यू कंटेंट लाया हम न्यू कंटेंट लेंगे उनके वाला, उनकी कॉपी करके उनके व्यूज छापेंगे। बहुत से स्ट्रीमर के साथ हमने ऐसा किया है, जैसे आप आदिल रहमान को देख लो, आप जिंदाबाद को देख लो, एजे को देख लो, सबके साथ हम ऐसे ही करते हैं। डायरेक्टली हमें आप सारा कुछ बताते जा रहे हैं, ये ना हो बाद में फिर कुछ बचे ही ना और जो हमारी कम्युनिटी के अंदर शौर पैदा हो जाए और फिर वो आपको देखने छोड़ दें। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता सर, ये नहीं हो सकता, एक दो दिन बात होगी तीसरे दिन भूल जाएंगे भाई, ऐसा ही चलता है, शुरू से निजाम चलता आ रहा है भाई। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साथ। बाकी और बात करना चाहूंगा, अगर आप लोगों को ये वाली पॉडकास्ट इतनी बुरी लगी है या फिर किसी का दिल आजारी हुई है तो हम उससे सॉरी करते हैं और हम किसी को बुरा भला नहीं बोलना चाहते, जैसे कि फन के लिए एक मजाक मस्ती के लिए हमने ये वाली पॉडकास्ट करी और आई होप सो आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा। ये किसी को एक्सपोज नहीं किया ना किसी को हमने हिट किया है, सब मेरे भाई हैं और हमने सबकी जो है वो हमेशा रिस्पेक्ट की है, ये अभी भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जैसे एक फन के लिए एक वीडियो बनाई है तो प्लीज़ आप लोग माइंड ना करिएगा। बाकी जो है अभी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी इनके तासुरात पूछते हैं या फिर आप इनको एजे चुगताई भी बोल सकते हैं। तो एजे भाई यार बात बता क्या गाइस, सबसे पहले तो होप सो आपको ये पॉडकास्ट मजे की लगी होगी। हम लोगों ने सोचा था कि न्यू कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाए, तो ये उस कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाई है। हमारा कोई स्पेशली किसी एक बंदे को हेट करने का कोई मकसद नहीं है, ये ना हो गया स्पेशल जैसे कि हमने कुछ डायलॉग्स भी से पिक किया तो आप समझे कि हम उनको हेट दे रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, ऐसा हमारा इंटेंशन नहीं, कोई भी मकसद नहीं है। सिंपल हमने एक वैसे कैजुअल फनी टाइप वीडियो बनाई है कि कुछ न्यू लाया जाए कम्युनिटी के अंदर। तो भाई हम गेम से कह रहे हैं, हम किसी को पर्सनल अटैक नहीं कर रहे, तो इसको दूसरी साइड पे कोई भी ना लेके जाना और इसको एंजॉय करें और इसको प्रमोट करें कि ऐसा कुछ न्यू भी आना चाहिए कम्युनिटी के अंदर, तो हम उसी चीज को ट्राई कर रहे हैं। होप सो आपको ये मजे का लगा होगा ये काम भी। अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो के ऊपर 5000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करवाएं। इंशाल्लाह जैसे 5000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे हम सेकंड पार्ट भी इसका बना देंगे। थैंक यू।